हमारे साथ में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह जी हैं। प्रज्ञा सिंह जी, आप क्या क्या कहेंगे प्रदेश कार्य समिति की बैठक? प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, ये हमारे संगठनात्मक जो एक ढांचा है उसके लिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जो कार्य करती है उसमें हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और सभी इसमें आए हुए हैं और ये ग्वालियर चंबल संभाग बिल्कुल स्वागत के लिए आतुर है। दिव्य सिंह, लगातार बयान आ रहे हैं उनके कि माहौल के जिस तरह से जो हुआ नू की घटना हुई है और भी घटना हुई उनको लेकर लगातार टारगेट कर रहे हैं। कौन कर रहा है टारगेट? वो व्यक्ति जो भगवा को आतंक कहता है, वो व्यक्ति जो हिंदुत्व को आतंक कहता है, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? वो जो कह रहा है उसके संस्कारों में वही है। राहुल गांधी लद्दाख में पहुंचे हुए हैं, वो बाइक पर घूम रहे हैं, ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। चीन को लेकर वो कई सारी बातें कहते हैं। चीन का और उनका बड़ा गहरा संबंध है, चीन का और उनका बड़ा गहरा संबंध है और जनता इसको जानती, भारत की जनता बहुत अच्छे से जानती है। प्रज्ञा सिंह जी हैं और जैसा कि कार्य समिति की बैठक में पहले सत्र में शामिल होने को आई थी और उसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी को लेकर भी तीखा प्रहार किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है कई मायने में बहुत अहम है और उसमें बड़े नेता भी खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।